हे गाइस वेलकम दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है एक्सेल के बारे में टॉपिक है। आज का ये टॉपिक में हम लोग बताने वाले हैं कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाया, मतलब दो पैरेलल दो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये चार्ट पे जहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 1 to 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1 to 9 लिख रहा हूँ तो आ रहा है, फिर 9 के ऊपर लिख रहा हूँ मतलब 88 लिख रहा हूँ तो भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब भी कोई यहाँ पे मैंने जो है डाटा वैलिडेशन किया हुआ हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक सेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक जो है टेक्स्ट मैसेज आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि ओनली 1 to 9। ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ तो बोला है 10 to 99, मतलब यहाँ पे जो लिखा हो, और यहाँ पे जाने से दिखा रहा है 100 to 99। ओके, तो यहाँ पे जो है बात क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 to 9 लिखा है तो उसकी ऊपर वाला, या मान लीजिए हम लोग सिर्फ 10 ही यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक एरर मैसेज आ रहा है जहाँ पे लिखा है डोंट डू दिस ओनली 1 to 9, ये एक्चुअली मैंने किया है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है कैसे होता है नहीं होता है, ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, आपको जो सब कुछ पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र, आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो भी डाटा है सबको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कुछ एक डाटा लिख देते हैं। ठीक है, 1 2, और ये दोनों को नीचे तक हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ये सभी को पता है, मैंने इसके पहले इसका एक वीडियो बनाया था। चलिए मैं जो है फटाफट इसको लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए डाटा वैलिडेशन में करने वाला हूँ तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं कोई एक को दिखा देता हूँ, बाकी जो है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं पूरा इस जितना सेल में मैंने लिखा हुआ, यहाँ पे जितना सेल आपको चाहिए होगा तो सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए डाटा है, ये डाटा में चाहिए, देन यहाँ पे देखिए डाटा वैलिडेशन। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एरो मार्क पे क्लिक कीजिए और डाटा वैलिडेशन में जाइए। देखिए जाने से पहले, जाने के बाद देखिए सबसे पहले आता है सेटिंग्स। ठीक है, तो सेटिंग्स में एनी वैल्यू दिया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देना चाहेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। एक्स वाई जेड 1 2 3 4 जो भी आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो यहाँ पे अलाउ पे क्या लिखा है, एनी वैल्यू या फिर होल नंबर, डेसीमल। यहाँ पे आप जो है अपना हिसाब से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली होल नंबर दिखाता हूँ। ठीक है, होल नंबर मतलब इसमें जैसे मैंने किया था, तो यहाँ पे डाटा में देखिए बिटवीन है, यहाँ पे आप नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा बहुत सारा जो है यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। तो आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी बिटवीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम, अभी ये सेल को सिलेक्ट किया तो मिनिमम मतलब 10 आता है, तो यहाँ पे हम लोग 10 यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम में जो है 99, तो यहाँ पे जो है हम लोग 99 दे रहे हैं। ठीक है, देन इसको ओके अभी ये कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी मैसेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अभी मुझे कुछ लिखना है 99 के ऊपर, तो हम लोग 100 ही पकड़ लेते हैं। देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है। तो अभी हम लोग करना क्या होगा, फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए, या फिर उसी टाइम हम लोग एक साथ में कर सकते थे जैसे इसमें बनाया, उसे इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज मतलब क्या, यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है सो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। आपका सेल जब सिलेक्ट रहेगा उसी टाइम पे जो है ये ऑटोमेटिकली मैसेज आपको शो करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका टिक मार्क है, ये टिक को आप दे के रखिए। यहाँ पे आपको मैसेज में जो भी लिखना है, ओनली 10 to 99, ठीक है, ये आप लिख दिया, इसको कॉपी कर लीजिए। एरर अलर्ट, अब एरर अलर्ट मतलब क्या, अगर आप कुछ लिख दिया उसके बाद एंटर कर दिया, देन आपका वहाँ पे जो एक डायलॉग बॉक्स आता है तो वहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप उसको डाल दीजिए और यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, मैंने जैसे डोंट डू दिस, ठीक है, तो ओके कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे जब भी कोई भी एक सेल सिलेक्ट करो, देखिए ये वाला सेल सिलेक्ट करो तो नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सिलेक्ट कर रहा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 10 to 99 आ रहा है। और यहाँ पे अभी मान लीजिए मैंने कुछ भी दूसरा, मतलब 10 to 99 के बाहर कुछ भी अगर मैं यहाँ पे ओनली 5 दे रहा हूँ तो एरर मैसेज दिखा रहा है डोंट डू दिस ओनली 10 to 99। ठीक है,
तो ऐसे करके जो है आप सारे बना लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कैसे जो है डाटा वैलिडेशन यूज होता है नहीं होता है। अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके मैं देने का कोशिश करूंगा। और ये वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका दोस्त के साथ, ताकि उसको भी पता चल जाए ये डाटा वैलिडेशन क्या होता है नहीं होता है। और जाने से पहले दोस्तों से वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर भी मैं दूसरा कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।